पारंपरिक खेलों का महाकुंभ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का विधायक व महापौर ने किया शुभारंभ। बच्चों के बीच पिट्ठुल खेल खिलाड़ियों को किया गया प्रोत्साहित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर पारंपरिक खेलों की छह स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ कर उपस्थित बच्चों के बीच पिट्ठुल खेल उनका हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित इस प्रतियोगिता के पहले दिन दुर्ग के जेआरडी स्कूल मैदान में खेल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों की ये प्रतियोगिता 6 स्तरीय होगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को भी तवज्जो देने और लोगों में खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन एवं शुरुआत राजीव युवा मितान क्लब स्तर से होगी। इसके बाद जोन स्तर, फिर विकासखंड, नगर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें युवा से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हो सकते हैं। पूरे प्रदेश में हमारे बच्चों में उत्साह है, उत्साह की लहर है कि हमारे अपने राज्य के नाम से छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, कमी अगर किसी बात की होती तो होती थी तो उन्हें मौका और अवसर देने की होती थी। और ये पहली बार हमने सुना है पूरे देश में यह जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक की आज शुरुआत हो रही है 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक खेल होंगे, जिसमें वार्ड स्तर पर, जोन स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर ये खेल आयोजित होंगे। ये हमारे सारे खिलाड़ी जो छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल थे, भौरा था, कुगड़ी, पिट्ठुल, खो खो, बिल्लस, कबड्डी और बाटी, ये जैसे खेल थे जो लगभग विलुप्त होते जा रहे थे, उन्हें फिर से, क्योंकि ये सारे खेलों को हमने खेला है, हमने अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन में गिल्ली डंडा से लेकर भौरा, भौरा से लेकर बाटी, पिट्ठुल, वेस्टी, ये ऐसे खेल हैं जो आज की पीढ़ी के बच्चे इसे भूलते जा रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मानित हमारे भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। हमारी विलुप्त होती संस्कृति को, खेलकूद को, हमारे व्यंजनों को जो बढ़ावा देने का हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ। छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों की छुट्टी देना, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देना, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा देना और आज उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलकूदों को बढ़ावा देने का जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे गुड़ी, गिल्ली डंडा, बिल्ला, खो खो, कबड्डी, रिले रेस, पिट्ठुल, ऐसे 14 खेलों को उन्होंने इसमें लिया है। सबसे प्रथम वार्ड स्तर में होगा, उसके बाद जोन स्तर में होगा, फिर संभाग स्तर में होगा, फिर प्रदेश स्तर में होगा। इससे हमारे खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा भी मिलेगा। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी द्वारा शुरू किया गया है और ये बहुत सारे जो खेल है, 14 खेल उन्होंने इसमें हमें आया है करवाने के लिए, तो ये बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं। हमें तो खुद अपना बचपन याद आ गया है, ये पुराने खेल हैं जो हम लोग खेलते थे अपने समय में, लंगड़ी खेलते थे, भौरा खेलते थे, पिट्ठुल खेलते थे और ऐसे बहुत सारे खेल हैं, रस्साकसी, तो ये सारे खेल जो है वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि ये इतना अच्छा जो ये हुआ है उसमें ये करना चाहिए कि ये खेल निरंतर चलते रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे फुगड़ी है, बैठ के इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है फुगड़ी में, बैठकर आपके पैरों के सारे मसल्स खुल जाते हैं। और जैसे गेड़ी दौड़ है, उसमें भी एक चढ़कर दौड़ना, मतलब अपने बॉडी के बैलेंस को संभालना, तो बहुत सारे अच्छे खेल है। वहीं इस प्रतियोगिता में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्पर्धा के साथ ही टीम एवं एकल स्तर पर प्रतियोगिताएं होगी। इसमें दली श्रेणी, गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संकली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और बाटी जैसे खेल शामिल किए गए हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद शामिल है।
इस अवसर पर सभापति राजेश यादव, संजय कोहले, एल्डरमैन रत्ना नारामदेव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।